हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एडवोकेट स्पॉट ऑन, जो कि डॉक्टर लोग वेट लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं मेंज केसेस में, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये है एडवोकेट स्पॉट ऑन का बक्सा, ये देख लीजिए। दिस इज़ 10 to 15 केजी। मेरे डॉगी का वज़न है 11 केजी और इसका MRP है 942 रुपीज़, जो कि मैंने बड़ा बाज़ार से 4 घंटा आने जाने में ट्रेवल करके मैं लेके आई हूँ 589 रुपीज़ में। आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज़ 589 रुपीज़। तो अभी मैं इसको कैसे एडवोकेट स्पॉट ऑन लगाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मेरा जॉय, इसका नाम मैंने जॉय रखा है। ये एडवोकेट स्पॉट ऑन मैंने लिया है, ये एक काइंड ऑफ लिक्विड ही है, छोटा सा ट्यूब में आता है, बहुत ही महंगा है, आप लोग देख चुके हो। अगर नॉर्मल शॉप से मैं लेती तो ये 942 के जगह 920 से तो कम बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन मैं जहाँ से लाई हूँ आप लोग देख पा रहे हो होलसेल मार्केट में काफ़ी कम होता है। तो ऐसे करके इसको खोलना है, इसको इसके पीछे का जो ढक्कन का पीछे का इसे उसका पिन की तरह होता है उससे उसको जो एक होल बनानी है, उसके बाद पूरा लिक्विड एक बार में पूरा लिक्विड उसके गर्दन के पीछे से ऐसे देना है और आधा घंटा आपको चेक करना है कि ये बिल्कुल चाट ना सके। तो ये ऐसे ही नॉर्मल चाट नहीं पाता है क्योंकि इसका नर्व का प्रॉब्लम है, तो ये वो सब नहीं कर पाता। तो फिर भी मैं इसको अभी आधा घंटा तो ये मेरे आंखों के सामने रहेगा। तो ये हो गया, मैंने एडवोकेट स्पॉट ऑन ऐसे लगाना है, वेरी सिंपल, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है मेंज केसेस में। ऑल्दो इसके बाल मैंने उगा लिए थे सिर्फ नारियल का तेल और नीम पत्ते से, फिर भी वेट ने ये सजेस्ट किया तो मैंने लगाया। डॉगी के काम जो मैं करती हूँ उसके साथ साथ मुझे अपना घर भी संभालना पड़ता है, मेरी बच्ची को भी संभालना पड़ता है, उसको स्कूल में ले जाना, उसका टिफ़िन बनाना, उसको पढ़ाना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है अकेले। और ये डॉगी लोगों को मैं खाना भी दे रही हूँ, ये सब भी मेरा रेगुलर रूटीन में ये भी काम आता है। मासी मुझे थोड़ा बहुत रसोई में का हेल्प कर देती है, मिमी को खाना खिला देती है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ पा रहे हो एज ए होम मेकर मुझे भी मतलब पूरा घर को मुझे ही कंट्रोल में रखना पड़ता है, मैं ही सब कुछ कोऑर्डिनेट करती हूँ घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मतलब हफ्ते में 5 दिन मेरे घर में नहीं रहते, तो एवरीथिंग मुझे अकेले करना पड़ता है। बहुत टफ ज़िंदगी है मेरी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना इन लोगों के लिए कर सकूँ मैं। तो ये देखिए, एक दिन शाम को भी मैं गई थी, दिस इज़ अनदर मेंज केस, अभी मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है इसको मैं रख के ट्रीटमेंट करूँ, बहुत ज़रूरी था इन लोगों को रखना, क्योंकि इन लोगों के ना मेंज केसेस में इन लोगों को शरीर में तेल लगाना, ना नहलाना, ये सब चीज़ें, नीम पत्ते का जो पानी ये सब लगाना, ये सब रास्ते में बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी क्या कर सकता है, अभी घर पे जगह नहीं है, 4 पपीज़ आ गए ना, मेरा घर में बिल्कुल अभी जगह नहीं है। तो आज मैं बिस्किट को नरम करके इसको मैं एक टैबलेट दूंगी, जितना हो सके टैबलेट से मैं काम चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये पूरा काम नहीं होगा, इसको तेल लगाना नहलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि रास्ते में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एडॉप्शन आप लोग नहीं करोगे तो हम लोग जो लोग रेस्क्यूअर हैं हम लोग कहाँ रखेंगे, जो इमरजेंसी केसेस ऐसे मेंज केसेस कहाँ पे रख के ट्रीटमेंट करेंगे, अगर घर में 4 पपीज़ मेरे ऑलरेडी हेल्दी 4 पपीज़ घर में जगह ऑक्यूपाई करके रखा है। तो फिर भी कोई डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं लोग, ब्रीडर लोगों से ख़रीदते हैं, यही प्रॉब्लम है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलती रहती हूँ लेकिन कोई असर नहीं होता किसी पे भी। तो क्या कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम लेके हम लोग भी चल रहे हैं, पूरा समाज पूरा देश ये प्रॉब्लम लेके चल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे शेल्टर हाउसेस से डॉगीज क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लोग इमरजेंसी केसेस जो डॉग की मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल असिस्टेंट्स की ज़रूरत है उनको हमें रखने की जगह नहीं होगी।